हमारा एक राष्ट्रवादी संगठन है और सल्यूट तिरंगा परिवार के एक एक सदस्य एक सैनिक है, देश के सैनिक है जो राष्ट्र के लिए राष्ट्रहित में राष्ट्रवादी संगठन के हिसाब से ही सारे सिर्फ देश के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हैं क्यों आए हैं, एक देश के लिए आए हैं, देश से आए हैं, देश हित में कार्य करने के लिए जितने सारे जुड़े हुए, तो हमारे सैनिकों में जिस तरीके से आघात हुआ है उस चीज को हमारा ये सैल्यूट तिरंगा बर्दाश्त नहीं करेगा। एक एक सैनिक का बदला लेगा और हम जवाब देने के सैल्यूट तिरंगा परिवार एक एक सैनिक के जवाब देंगे और हम मोदी जी के इस पे चलेंगे। मोदी जी को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं और एक दिन ये हमारा संगठन भी ध्वज बड़ा लहराएगा, इंडिया में नहीं भारत में ही नहीं पूरे राष्ट्र में लहराएगा ऊंचाइए तो, और विश्व गुरु जो मोदी जी के है सपना है उसको हम सब मिलके राष्ट्रीय संगठन पूरा करेगा। मैं एक राजनीतिक पार्टी निकली है भारत जोड़ो, भारत जोड़ो के लिए निकली है, लेकिन वही उन्हीं के ही जो हम कोई पार्टी नहीं है, हम एक संगठन है, हम लोग सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं, राष्ट्रवाद में काम करते हैं, हम कोई पार्टी भी नहीं है। यहाँ सब जो लोग हैं वो भारतवासी हैं, भारत के हैं लोग हैं, एक एक भारत के सिपाही हैं। सर पहले भी सेना पे आरोप लगे हैं, फिर से आरोप लग रहे हैं सेना पे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, जो भी लगा रहा है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक को हम लोग जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे और मोदी जी को भी विश्व गुरु बनाएंगे।